दिल्ली में आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं के ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी का बड़ा एक्शन देखने को मिला। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार और राज्यसभा सांसद एनडी गुप्ता के घर पर ईडी की छापेमारी की गई। दिल्ली जल बोर्ड में भ्रष्टाचार मामले में ईडी ने एक्शन लिया है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार और आम आदमी पार्टी से जुड़े अन्य लोगों के ठिकानों की छापेमारी की है। उन्होंने बताया कि दिल्ली के करीब 12 ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार और दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व सदस्य शलभ कुमार के अलावा कुछ अन्य नेताओं के ठिकानों पर ईडी की रेड चल रही है। तो केजरीवाल के पीए सहित कई नेताओं के घर पर यह छापेमारी की जा रही है। टोटल 10 से ज्यादा ठिकाने हैं जहां पर ईडी की ये रेड चल रही है। तो आप नेता तमाम जिनके घर पर ईडी ये छापेमार कार्रवाई कर रही है, तो ईडी का जबरदस्त एक्शन जहां पर केजरीवाल के पीए और उनके साथ साथ अन्य जो आप नेता हैं उनके ठिकानों पर ये कार्रवाई की जा रही है। हुए लोगों के घर पर, आम आदमी पार्टी के नेताओं के घर पर ईडी की रेड शुरू हो गई है। हमारे सांसद और आम आदमी पार्टी के ट्रेजरर एनडी गुप्ता जी के घर पे रेड हो रही है। ऐसा सुनने में आ रहा है कि उनके पीए के घर पे रेड हो रही है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के पीए के घर पे रेड हो रही है। और अभी खबरें आ रही हैं कि शायद आज दिन भर में आम आदमी पार्टी के कई और नेताओं के घर पर ईडी रेड करने वाली है। ये क्या प्रयास है ईडी का? ये क्या प्रयास है भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार का कि वो अपनी एजेंसीज के माध्यम से आम आदमी पार्टी को डराने की कोशिश कर रही है, धमकाने की कोशिश कर रही है और हमारी बात को दबाने की कोशिश कर रही है? मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को और उनकी एजेंसियों को जो ईडी और सीबीआई है ये बताना चाहती हूं कि आम आदमी पार्टी आपकी धमकियों से डरने वाली नहीं है। पिछले 2 साल से इसी तरह आम आदमी पार्टी के नेताओं को डराया धमकाया जा रहा है। इस तथाकथित शराब घोटाले के नाम पर कभी किसी के घर छापा पड़ता है, कभी किसी और के घर छापा पड़ता है, कभी किसी को समन आता है, कभी किसी को गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन इस 2 साल के इन्वेस्टिगेशन में अभी तक ईडी को कुछ नहीं मिला है। किसी भी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में 3 चीजें महत्वपूर्ण होती हैं। सबसे पहले रिकवरी ऑफ मनी, जिसकी लॉन्डरिंग हुई है, ईडी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्डरिंग एक्ट के तहत केस करता है, तो सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज है कि ईडी को रिकवरी ऑफ मनी करनी पड़ेगी। लेकिन 2 साल में सैकड़ों रेड के बाद भी 1 रुपए की भी रिकवरी ईडी नहीं कर पाई है।